अब ये इसका प्राइस कितना है इसका? इसका ही मार्केटिंग प्राइस क्या है? मार्केट प्राइस क्या है इसका? जितने 7 लोग हैं उतने का पड़ जाएगा, 6 के 7 हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फ्रैंक बॉयज आशीष। मैं आशीष कुमार आज जा रहा हूँ ऐसी मार्केट जहाँ पे आईफोन एक्स बहुत ही सस्ते में मिलते हैं। आप सोचते हो कितना मिलता होगा, कितना सस्ता मिलेगा? तो 5,000-6,000 रुपये। आप सोचोगे यार दो रेंज क्यों, तो 10 मोबाइल लोगे आप तो आपको मिलेगा 5,000 रुपये में, और एक मोबाइल लोगे तो आपको मिलेगा 6,000 रुपये में। आप पूछोगे इतना सस्ता क्यों, तो इस वीडियो का आउट्रो पूरा ध्यान से सुनना, कान में लीड लगा लेना, आवाज़ तो बहुत साफ आएगी मगर गौर से सुनना, क्योंकि इसी में पूरा गेम है यार। इसी से आपको कैमरा बहुत ही सस्ते में मिलेगा। जैसे कूपन होता है ना, अप्लाई 15, इससे इतना मिलेगा आपको। ये वर्ड बोलते ही आपको कैशबैक मिल जाएगा कम से कम 10,000 रुपये का। तो और आप समझ रहे होगे कि ऐसा क्यों है, तो पूरी वीडियो देखना है यार, क्योंकि आप कार्ड देते हो। मैं हमेशा देखता हूँ यूट्यूब पे, तो वॉच टाइम 2 मिनट का होता है मगर मेरी वीडियो होती है 17 मिनट की। तो ज़्यादा समय क्यों वेस्ट कर रहा हूँ यार मैं आपका। ओके चलते हैं, बाय। इसलिए मैं इस ये चर्च में आया हूँ यहाँ पे। तो वहाँ पे जिस मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे यार कैमरे से वीडियो बनाने नहीं दे रहे, फ़ोन से नहीं बनाने दे रहे यार, कैमरे से क्या बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक साथ 200-300 मोबाइल एक साथ देते हैं, वैसे स्टॉक में देते हैं। मगर आप अगर आप एक फ़ोन भी लेने जाओगे तो मिल जाएगा। तो आओ चलते हैं, मैं कुछ ही क्लिप दिखा पाऊँ आईफोन एक्स की, क्योंकि मुझे किसी गली वली में ले जाएंगे वो, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा फ्रेंड बता रहा था कि कोई शॉप वॉप नहीं है आप यहाँ पे, क्योंकि सीधा पैसे दोगे फ़ोन मिल जाएगा। वो आपको गली में ले जाएंगे या एक घर में ले जाएंगे, वहाँ पे आपको आईफोन दिखाएंगे, आईफोन एक्स दिखाएंगे। तो चलते हैं फिर, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं आपका। ओके बाय। कैमरा सही है यार इसका तो, जैसे मेरा वाले का कैमरा, और उसमें फेस डिटेक्शन प्रॉब्लम आता है। अब जैसे 2-4 फोन लूँगा तो कुछ सस्ता तो पड़ेगा ना भैया जी, हैं? और यहाँ पे हर किसी पे तो यही मिलता है ना, जैसे गफ्फार मार्केट और ये हर जगह तो यही फ़ोन मिलता है ना, कंपनी का बात होता है। मैं भी वही सोचता हूँ, 5,000-7,000 रुपये में कहाँ मिलता है आज के टाइम पे आईफोन एक्स है, 5,000-7,000 रुपये में कहाँ मिलता है। भैया इसका प्राइस कितना है इसका? इसका ही मार्केटिंग प्राइस क्या है? मार्केट प्राइस क्या है इसका जितने का आप दोगे? 10,500 का पड़ेगा। अच्छा हाँ सही है, और क्या, मैं भी यही सोच रहा था, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ एक अपने लिए भी ले लूँ, इसीलिए मैं पूछ रहा था, क्योंकि अब मैं 6 तो नहीं ले पाऊँगा जिस हिसाब से आपने प्राइस बताया। मुझे लगा आप, तो मेरे को भी एक भी उतने का पड़ेगा ना, मुझे अगर आप 7 लोगे तो उतने का ही पड़ेगा, 6 के 7 हो जाएंगे। अच्छा, और जैसे इनकी वारंटी भी होती है क्या कोई, हैं? क्योंकि कोई वारंटी भी होती है वैसे, हैं?
क्वालिटी में भाई साहब अभी ये पन्नी में पैक है। कितने की मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आपको वहाँ पे अगर शॉप पे जाना है तो ज़रूर जाइएगा, आपको 5,000-6,000 तक में आईफोन मिल जाएगा। हाँ, वो क्लाउन बेचते हैं, क्योंकि आप अगर कोई भी आप गफ्फार मार्केट में जाओगे लेने के लिए तो आपको क्लाउन ही मिलेगा वहाँ पे, क्योंकि हर जगह सिर्फ क्लाउन ही है। आपको लग रहा होगा कि आप ये फ़ोन लेके जो आए हो क्या नाम है, मैं असली लेके आया हूँ, आपके पास आईफोन 6 भी अगर आपने वहाँ से लिया है या 7S लिया है तो वो सारे क्लाउन पीस होते हैं। अब मैं आपको कुछ डिटेल दिखाने वाला हूँ कि ये फ़ोन क्यों है, और आप पता नहीं लगा पाओगे कि यार ये फ़ोन लोकल है या कॉपी है, क्योंकि अभी जो ये फ़ोन है, अभी मेरे पास ये फ़ोन है, ये लीमैक्स 2 मैंने आज से 1.5 साल पहले लिया था ये वाला फ़ोन, और ये वाला फ़ोन हकीकत में 22,000 रुपये का है, मगर जो मेरा जो फ्रेंड लेके आया था ये वाला फ़ोन, मैंने उसी से खरीदा था। तो ये फ़ोन उनने मेरे को सिर्फ मात्र 12,000 रुपये का दिया, और बाद में पता चला कि वो सिर्फ 8,000 रुपये का लेके आया था। और मैं सोचता था ये लीमैक्स 2 है, मैं खुश रहता था कि यार 22,000 का फ़ोन मेरे को 12,000 में मिल गया और क्या चाहिए मेरे को। बट बाद में अगर मैं शॉप वाले के पास गया तो मैंने उन्हें दिखाया तो कह रहे भाई आपने जो यहाँ से जो उस जो आपका जो फ्रेंड है वो क्लाउन पीस लेके गया है, क्लाउन यूज कर लो, तो मुझे कोई आज तक प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। और किसी को अगर दिखाऊंगा तो कोई नहीं कह सकता कि ये लीमैक्स 2 नहीं है, क्योंकि मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, मुझे आज ही पता चला है कि यार ये मैं क्लाउन यूज़ कर रहा हूँ, लीमैक्स 2 है नहीं ये फ़ोन। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हो तो क्लाउन मिलेगा तो क्लाउन का यार कोई बुरा नहीं। अगर आप किसी के हाथ में दोगे कि ये फ़ोन मैंने 50,000 रुपये का लिया या 1,00,000 का लिया तो वो ऑफकोर्स कहेगा कि हाँ भाई तुमने लिया होगा ये, क्योंकि कोई नहीं कह सकता। अभी मैं आपको फ़ोन का आपने कुछ तो देखा होगा, आपने भी खुद फ़ोन देखा तो आपको लगा कहीं से कि ये फ़ोन कॉपी है, क्योंकि कॉपी। और हाँ, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जो ये आईफोन जो एक्स है ये आपको लग रहा होगा इसके अंदर iOS है, मगर एंड्रॉयड फ़ोन है, एंड्रॉयड 7.0 है वो, मगर कोई नहीं बता सकता, कहीं पे लिखा ही नहीं होगा कि एंड्रॉयड 7.0 नोगट है या ये, कहीं पे कुछ लिखा ही नहीं है। बूट लोडर से लेके फर्मवेयर तक सारे ओरिजिनल के ओरिजिनल हैं। बस ये होते हैं जो उसके जो ये जो बॉडी होता है ये कहीं और से चाइना से मैन्युफैक्चर्ड होता है, मगर जो चाइना वाले भी बनाते हैं तो फर्स्ट कॉपी, क्या मैं कहता हूँ, फर्स्ट कॉपी से भी अच्छा बनाते हैं ताकि आपको पता ना चल सके। उसके अंदर ऑफिशियल जो आईफोन एक्स का फर्मवेयर होता है उसको क्रैक या पैच करके उसमें डाला जाता है। ये मुझे कैसे पता चला है, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत फर्मवेयर इंस्टॉल करता हूँ अपने फ़ोन में, तो मुझे पता है कि वो कैसे करते हैं। तो जो आईफोन एक्स आपने देखा वो iOS नहीं है, वो एंड्रॉयड फ़ोन है, मगर किसी को आप दिखा दो अगर आप बोलोगे कि एंड्रॉयड फ़ोन है तो कोई यकीन भी नहीं करेगा, और आप किसी को बोलो आईफोन एक्स तो बोले हाँ भाई हो सकता है आईफोन एक्स, क्योंकि ऑफकोर्स यार आपने खुद पूरी वीडियो देखी, आपको खुद लगा होगा कि यार ये तो आईफोन एक्स ही है और तो यार है ही क्या है, तो आप खुद भी यूज करोगे तो आपको खुद नहीं पता चलेगा इसमें। इसमें बस प्रॉब्लम ये है कि जो ऐसे आईफोन एक्स की जो ओरिजिनल कैमरे की क्वालिटी है वो थोड़ा डाउन है, मगर आप कैमरा ये भी नहीं है कि बिल्कुल बेकार है, मतलब ऐसा समझ लो कि किसी जैसे ओप्पो वीवो का कैमरा हो गया उस हिसाब से कैमरे की क्वालिटी है, यानी कि रेडमी से अच्छा है और ओप्पो वीवो से थोड़ा नीचे। और इसमें जो फेस डिटेक्शन का जो वो लॉक है वो भी कभी कभार काम करता है और कभी कभार नहीं काम करता, मगर ये 98% काम करता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप उस शॉप में जाना चाहते हो तो मैं पूरा एड्रेस लिंक इन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोई भी नहीं कह सकता कि क्लाउन फ़ोन है, और ये ऑफिशियली चाइना वालों ने रिलीज़ किया है, और ये आईफोन वालों को भी पता है ये बात, तो ये कोई इलीगल काम नहीं है। आप सोच रहे हो इलीगल है मैं जाऊँ वहाँ पे, और आप सोचते थे कि गफ्फार मार्केट में फ़ोन चोरी के लाते हैं इसलिए बेचते हैं, ये पुलिस वाला इनको पैसे देते होंगे, पुलिस वाले पैसे वैसे नहीं देते ये, क्योंकि ये क्लाउन पीस बेचते। अगर पुलिस वाले आते नहीं तो कुछ चोरी के माल होते हैं, कुछ कहीं और से होते हैं, वो मैं उतना भी जानकारी मुझे नहीं है, मगर जितना मुझे पता है जितना मेरा फ्रेंड वहाँ पे शॉप में काम करता हूँ जहाँ से मेरा फ्रेंड फ़ोन लेता है, तो वो तो वही बात है कि आपको आईफोन 6S 5S आपने जितनी भी वीडियो देखी है गफ्फार मार्केट की, लाजपत मार्केट की, या पन्ना जोरी ये सारी जो मार्केट की आपने देखी, तो हर एक फ़ोन क्लाउन है वहाँ पे, आपको क्लाउन पीस मिलेगा। और क्लाउन भी चार तरह के आते हैं, एम सीरीज़ के आते हैं, R2 तरह के आते हैं, RR के आते हैं, KK के आते हैं, और भी दो तरह के आते हैं जो इंडिया में नहीं अवेलेबल है, कुछ अभी मैं दिखाता हूँ जो इंडिया में आने वाले हैं, और वो कम से कम 99.9% वो आईफोन एक्स होगा। मैं आपको एक ऑफिशियल पेज दिखाता हूँ, जैसे कि अब मैं दिखाने वाला हूँ, तो
तो हाँ ये वही मार्केट है मैं जो बता रहा था। देखो ये फ़ोन अभी इंडिया में भी लॉन्च होने वाला है ऑफिशियली, तो यहाँ पे कोई बैन वैन है कोई वैसी चीज़ें नहीं है। अगर आप देखना चाहते हो तो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आपको यहाँ पे आना है तो ऑफकोर्स आइए यार यहाँ पे। अगर आपको यहाँ से फ़ोन लेना है तो ऑफकोर्स लीजिए और इन्जॉय कीजिए। 7,000-8,000 में अगर आपको आईफोन एक्स मिल रहा है और किसी को नहीं लगेगा तो ऑफकोर्स ये मिल रहा है। आप ये मत सोचो कि यार ओरिजिनल क्यों नहीं मिल रहा 8,000 रुपये में। तो चोरी का भी फ़ोन आपको 35 तक के रेंज में मिलेगा या 42 या 50 प्लस में मिलेगा। तो 5,000-7,000 रुपये में मिल रहा है तो गलत नहीं है ये। अगर आप आईफोन 6S भी लेने जाओगे तो 8,000-9,000 रुपये में मिलेगा। क्लाउन ही मिलेगा यहाँ पे। गफ्फार मार्केट में भी क्लाउन आता है, हर एक मार्केट में सिर्फ क्लाउन आता है। वो आपको बताएंगे नहीं कि ये क्लाउन है, आपको ऐसे बोलेंगे कि हाँ भाई ओरिजिनल है, क्योंकि आपको क्या पता कि क्लाउन है नहीं है। आपको तो इस्तेमाल करना है। अगर आपको मोबाइल के नॉलेज होगी तो आप तो सीधा जाके बोलोगे भाई क्लाउन पीस है क्या। वो आपकी तरफ घूरेगा कि यार आपको कैसे पता चल गया, क्योंकि उसमें कहीं लिखा नहीं होगा कि क्लाउन है। वो भी नहीं बोलेगा कि भाई आईफोन एक्स क्लाउन है, हम कहोगे 8,000 में। वो सीधा बोलेगा हाँ है आईफोन एक्स है, ये 22,000 का है 15,000 का। और बाद में आपको बोलेगा कि 8,000 रुपये। बट जब भी वो नहीं बोलेगा कि क्लाउन है, वो आपको खुद पता चलेगा जब आप चलाओगे तो। कुछ कुछ आपको अगर साथ में आईफोन एक्स रखोगे तो थोड़े बहुत आपको मेजर प्रॉब्लम दिखाई देंगे, मगर वैसे आप पता नहीं कर पाओगे। तो मैं तो यही कहता हूँ कि अगर आपको इस मार्केट में आना है तो यार ऑफकोर्स आओ इस मार्केट में। और इस मार्केट में यार बहुत ही अच्छा मार्केट है यहाँ पे, मतलब पीपल अच्छे हैं, आपको अलग जाके दिखाएंगे। आप स्पेशली रिस्पेक्ट बहुत करते हैं आपकी। जैसे अगर आपको बोलोगे आईफोन एक्स चाहिए तो आपको अलग जगह लेके जाएंगे, आराम से आपको चीज़ें समझा देंगे, कितने फ़ोन लोगे अपना फ़ोन नंबर देंगे, कॉन्टैक्ट देंगे, थोड़ी बहुत गारंटी भी देंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि ऑफकोर्स इस मार्केट में आइए। पूरा एड्रेस लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को, और बेल आइकॉन होगा बगल में दबा दो, मेरी और वीडियो आने वाले भविष्य में। और थैंक यू यार, अब 10,000 हमारे सब्सक्राइबर होने वाले हैं, हमारी फैमिली 10,000 होने वाली है। अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हो, मेरी शक्ल देख रहे हो, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो चैनल को, इस फैमिली से जुड़ो यार। अगर आप कमेंट में अगर आपको मुझे कहीं और भी भेजना हो कि यार इस मार्केट को एक्सप्लोर करो, तो आपको सब कुछ जो गलतियाँ हुई होगी इस वीडियो में वो भी बताओ, क्योंकि मैं धीरे धीरे आपसे सुधारना चाहता हूँ। अगर आप मुझे बोलोगे कि आपने यहाँ पे ये गलत बोला है, आपको यार ऐसे बात करनी चाहिए, ऐसे क्या करना चाहिए, तो मैं हर एक चीज़ सुधारूँगा। और आप जो अगर कमेंट लिखोगे तो कमेंट का 89% मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा उसका, तो कमेंट भी करना। ओके बाय, चलते हैं फिर, बाय।